स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, और ये ब्लॉग हो रहा है धार रेलवे स्टेशन का। मेरे भाई लोग काफ़ी टाइम से कमेंट्स कर रहे थे कि भाई धार का रेलवे स्टेशन बताओ, तो आज मैं बता देता हूँ आपको धार में कितना काम हो चुका है, क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप खुद डिसाइड करना कितना टाइम लगेगा। भाई वो सामने जो आपको दिख रहा है, देखो वहाँ पर गाड़ी वगैरह आ रही है, ये जो है ये अपना धार इंदौर रोड है सामने की तरफ, ये धार इंदौर रोड है, और जस्ट इस तरफ जो है वो धार का रेलवे स्टेशन है। ये पूरा काम चल रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पर। तो ये मैं अभी फ़िलहाल मैं पीछे की तरफ हूँ, है ना, वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो मैं चलिए आगे चल के फिर आपको दिखाता हूँ कितना हो चुका है, कंप्लीट क्या है। ब्रिज जो ज़्यादा जो टाइम लेट होता है वो ब्रिजेस वगैरह जो बनते हैं ना, ऐसे ब्रिज वगैरह उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें टाइम ख़राब होता है। यहाँ पे भी देखो एक ये ब्रिज बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर नदी वगैरह आ जाती है फिर ऐसी ढलान आ जाती है वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पर भी एक ये बड़ा ब्रिज बना है पूरा, यहाँ पर भी एक ब्रिज बनेगा। काम लगभग सभी दूर चालू है, कहीं पे भी काम नहीं रुका हुआ है, काम पेंडिंग कहीं पे भी नहीं है। ये पूरा ब्रिज का सेटअप है देखो, चलिए तो वहां रेलवे स्टेशन चल के दिखाता हूँ मैं आपको उधर से। ये रास्ता है भाई, यहाँ से जा रहा हूँ मैं अंदर, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, अंदर चल के फिर दिखाता हूँ आपको। ये पूरा बन रहा है रेलवे स्टेशन देखो, इसे सेंटिंग वगैरह हो गई अभी, ऊपर सेंटिंग वगैरह भी हो गई है कंप्लीट। ये जो है मेन स्टेशन है धार का, यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। ये ऊपर से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा चढ़ के, भाई ये देखिए अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ धार के रेलवे स्टेशन के ऊपर टेरिस पे। तो ये जो जितना भी जो काम लेट हुआ है सब पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारे रास्ते तो ब्लॉक हो गए पानी की वजह से। अभी मैं भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ, उधर से आ सकते थे लेकिन उधर पूरा पानी भरा हुआ है। और रेलवे ट्रैक जो है वो इस तरफ आएगी, प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 वो इस तरफ रहेगा, क्योंकि वहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो रेलवे ट्रैक जो है वो सीधा इधर आ रहा है इस तरफ, ये ब्रिज पे से होके जाएगा सीधा इधर। तो ये कुछ है भाई सीन, देख सकते हो। तो ये देखे भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ चल के आपको दिखाने के लिए। सब्सक्राइब कर दो यार आपके भाई को, अब आपके लिए क्या सब्सक्राइब का बटन फ्री है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। जितना हो सक रहा उतना अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर गिरने का भी डर है यार, पैर अगर अंदर घुसा तो गए काम से। ओ बाप रे बाप, ये पूरा छत डला हुआ है इसका। ये जो है भाई ये पूरा मल्टी बन रहा है, टिकट घर वगैरह सब इसी में आएगा, और
जो मैंने आपको इससे पहले बताया था ट्रैक का, कि प्लेटफॉर्म उस तरफ ही आएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 जितने भी होंगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो सब उस तरफ ही आएंगे। बाकी ये पूरा जो है यहाँ से वहाँ तक रेलवे स्टेशन, क्यों एंट्री यहीं से है ना सामने से? हाँ एंट्री इसकी यहीं से होगी, यहीं से होगी। और इसमें अंदर आने के लिए वही गेट रहेगा मेन सामने, बाहर रोड पे जो है वो ये सीधा वाला है ना पूरा। और बार बार जल्दी अपडेट इसलिए नहीं दे पाता हूँ भाई, क्योंकि कहीं पर भी जो काम चलता है, कहीं पर भी जो काम चलता है तो थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भाई 2-3 माले की मकान बनाना है तो फटाफट हो गया, या एक मल्टी बनाना है, क्योंकि रेलवे का काम जो रहता है ना बहुत देख के और बहुत तहकीक से किया जाता है, इसलिए रेलवे का थोड़ा लेट ही होता है काम। अभी वहाँ ऊपर से मैंने आपको दिखाया था, और ये है रेलवे ट्रैक, यहाँ पर सभी रेलवे ट्रैक आएंगे, पहली दूसरी तीसरी जो भी आएगी तो यहाँ पर इस तरफ से ट्रेन आएगी और इधर जाएगी सीधी इंदौर, और इधर जाएगी अपने जोबट, बोरी टांडा जोबट इस तरफ, और इधर जाएगी सीधे इंदौर। तो भाई लोग ये था धार रेलवे स्टेशन का अपडेट जो आपके भाई ने आपको दिया है, मोटा मोटा एक बताया है। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए वीडियो लाता रहता है, कैसे भी देर दुरुस्त बाकी वीडियो लाता जरूर हूँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब हो सका तो एक नेक्स्ट वीडियो आपको देखाकुंड के रेलवे स्टेशन का अपडेट दूंगा मैं, ठीक है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करें।